गोरिल्ला यहाँ कहाँ से आ गया? गोरिल्ला नहीं, येती। अरे हमें बच्चा समझा है क्या? येती बर्फीले पहाड़ों में पाए जाते हैं और सफेद होते हैं। तुम गोरिल्ला हो क्योंकि गोरिल्ला ब्लैक होते हैं। मैं येती हूँ। नहीं, तुम गोरिल्ला हो। गोरिल्ला मैं येती हूँ। गोरिल्ला हो। ये मोटू कहाँ चला गया? मोटू कहाँ हो तुम? नीचे हूँ। मोटू। तो अब तुम लोग बताओ, मैं गोरिल्ला हूँ या येती हूँ? दिखने में तो दिखने से क्या मतलब? कंट्रोल कर लिया। मैं जादूगर बाबरा हूँ। बाबरा के जादू की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं एनिमल्स पर जादू करने में एक्सपर्ट हूँ। आपने तो कमाल कर दिया। आपने उसे वापस झरने में भेज दिया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या नुकसान कर देता। आप इस येटी को इस जगह से कहीं और भगा दीजिए। बाबरा की जादू की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस काम में टाइम लगेगा। उसके लिए दूसरी प्रॉपर जगह ढूंढनी होगी और भी कुछ तैयारियां करनी होगी। अब मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं जगह जगह शो करके अपना जीवन चलाता हूँ। तो आप रोज येटी को जादू से बाहर बुलाइए और इसके लिए टिकट लगा के पैसा कमाइए। फिर जब आपकी येटी को भगाने की तैयारी पूरी हो जाएगी ना, तो उसे भगा दीजिए। ओके, ये आइडिया ठीक है। कल से शो शुरू। टिकट लो और येटी देखने आओ। वाह वाह, कल से शो शुरू कर दो। ये यतिया पूरा तैयार हो चुका है। बॉस, आपने ब्लैक येटी क्यों बनाया? देखा ना, आज कुछ लोग उसको गोरिल्ला ही समझ रहे थे। ब्लैक येटी इसीलिए बनाया कि व्हाइट येटी सबने देखा और सुना है। ब्लैक येटी सबके लिए नई चीज होगी और जब मैं इसके शोज दिखाऊंगा तो करोड़ों कमा सकता हूँ। अरे तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को मालूम है ना, यति सफेद होता है और बर्फीले पहाड़ों में पाया जाता है। अरे मोटू, अब जाने भी दो। देखो, अब तो जादूगर आ गया है ना, वो कर लेगा ना जो भी करना है उसका। नहीं नहीं, मैं जाकर पता करके ही रहूंगा। कुछ तो गड़बड़ है। ये जादूगर जब से यहाँ आया है, आते ही उसे कैसे कंट्रोल कर लिया, मैं पता करने चला। अरे मोटू, रुको रुको, अगर ऐसी बात है तो हमें भी कुछ प्लान बना के चलना पड़ेगा। अरे कोई प्लान नहीं कर रहा। रुक जाओ मोटू, रुक जाओ। Oh!
मानेंगे नहीं कि मैं यति हूँ, तब तक तुम लोगों की पिटाई होती रहेगी। बताओ क्या फैसला किया, मैं यति हूँ कि नहीं? तुम गोरिल्ला हो गोरिल्ला। मर जाओ, मरो। गोरिल्ला हो गोरिल्ला हो। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी से कुछ सोचो। समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। मेरी यति की क्या हजामत बना रहा है? ये तो उसे तोड़ देगा, फिर मेरे सपने का क्या होगा? लेकिन है ये नकली, ये रोबोटिक है यार। अरे तुम लोगों ने मेरी यति का पूरा सत्यानाश कर दिया। जादूगर भाई, आपका यति, जरा समझाएंगे हमें ये सब क्या है? मैंने कितनी मेहनत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग करके यति को बनाया था, ये सोचकर कि मैं इसे लोगों को दिखाकर खूब पैसे कमाऊंगा, क्योंकि व्हाइट यति तो उन लोगों ने सुना है, लेकिन ब्लैक यति न किसी ने सुना न देखा। अरे जादूगर भैया, आपने तो इतनी अच्छी चीज बनाई थी, आप वैसे ही लोगों को दिखा देते, ऐसे लोगों को उल्लू बनाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं इसका ऐसे ही प्रदर्शन करता तो कोई इसे अपने कब्जे में ले लेता, ये कहकर कि हम इस पर रिसर्च करेंगे और मुझे सिर्फ एक अवार्ड दे देते। अरे मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, पैसा। अरे तुम्हें पैसा भी मिल सकता था, लेकिन तुमने पैसा कमाने का रास्ता गलत चुना। अरे भाई सॉरी, ठीक है, मुझे जो रास्ता समझ में आया पहले से चुना। फिलहाल तो तुम्हें लोगों को उल्लू बनाने के जुर्म में जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन तुमने सच में बहुत अच्छी चीज बनाई है। अच्छा अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।